यादव भाई तुम हमारे को 4 फुट जगह दे दो, नहीं सारी तहस नहस करवा देंगे। जय हिंद जय भारत। मैं चिराग शर्मा फिलहाल हिसार के तेलियनपुर सब्जी मंडी के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर आप लोग लाइव दृश्य देख सकते हैं किस प्रकार रात को एक घटना घटती है। अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि किसकी तरफ से ये दुकानों में तोड़फोड़ की गई है। सब्जी वाले फिलहाल हमारे साथ मौजूद है, पिछले 40 सालों से सब्जी बेचकर अपना गुजारा करते हुए, रोजमर्रा से अपनी जिंदगी का गुजारा करते हुए नजर आ रहे। फिलहाल इनसे जान लेते हैं पूरा मामला क्या है और किसकी तरफ से यह तोड़ी गई है, इन पे इनको किस पर शक है। सबसे पहले मैं ये बात करता हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और सबसे बड़ी और देखने वाली बात अगर ये है, अगर नगर निगम ने तोड़ी होती जनाब तो नगर निगम पर्चियाँ क्यों काटता है? इतने सालों 40 साल 35 साल इन लोगों को यहाँ पर हो चुके हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर पूरा मामला किस टाइम रात को पता चला आपको ये टूटी हुई थी? मेरे को सर जी ये पता चला है करीबन 10:45 के करीब। 10 बजे तो मैं यहाँ से गया हूँ, 10 बजे जाके मैंने हाथ पैर धो के नहा के जो है ना खाना मैंने रखवाया ही था। इतने में जो है ना किसी का फ़ोन आया, उन्होंने तुम्हारे साइड का तो तहस नहस कर दिया है। फिर मेरा छोटे वाला लड़का आया था, फोन वाला पापा जी तुम तो क्या जाओगे, मैं देख के आता हूँ क्या हुआ, अगर कोई ऐसी बात होगी तो मैं फ़ोन कर दूंगा। लड़का आया है, फिर लड़के ने मेरे पास फ़ोन किया, बोला बाबा जी वो 4-5 जो है ना साइड गिरवा दिया, काउंटर वाउंटर तोड़ रखे, JCB आई थी जब मैं आया हूँ यहाँ, फिर मौके पर पुलिस भी आई थी। वो देखते हैं अब क्या कार्रवाई करते हैं। वो पहले तो मैं आप इससे डाल दीजिए अंकल जी, 2 मिनट के लिए इससे डाल दीजिए। आप सब्जी पिछले कितने सालों सब्जी बेचते हैं आप यहाँ पे? 40 साल हो गए। 40 साल हो चुके हैं। तो आपकी कौन सी दुकान थी वैसे? या 2-3 दुकानें हुआ करती मेरे ख्याल। मेरी एक दुकान है ये। हाँ जी। ये मेरे भतीजे की है। अच्छा जी। और दो ये और भाई की है, एक चंदूलाल की है, एक राम प्रकाश की है। हाँ जी। तो एक बात है, आपको किसके ऊपर शक है, नगर निगम के ऊपर या कोई और इसके बीच में रहा होगा जिसका हाथ होगा? मुझे शक सरासर जो है ना शक नहीं है, वैसे मैं कह रहा हूँ कि काफी टाइम से जो है ना इनके साथ ही दुकानदार देश राज के साथ जो है ना ये बातें हो रही है जगह के पीछे। इसने 9 फुट की दुकान की 12 फुट करी है, पहले 3 फुट की शॉर्ट कट करके 12 की। अच्छा जी। अब 4 फुट पीछे चल के आप देखो, दिखाओ पीछे फिलहाल देख सकते हैं साल की तेलियापुर सब्जी मंडी पे किस प्रकार से देख सकते हैं दुकानें तहस नहस हो चुकी है। अगर मैं बात करूँ मानसू भाई का, थोड़ा आगे आ जाए मानसू भाई एक बार पहले। तो बस ये मेन जड़ जो है ना ये कहता है कि भाई यहाँ से काउंटर है ना, अच्छा आगे काउंटर है क्षेत्र में, तो इन्होंने शॉर्ट कट करके जगह ले ली, तो नीम भर गए, बोला भाई हटा लो तुम हमारे को 4 फुट जगह दे दो। तो फिर हम जब किराया भर रहे हैं रेगुलर में 40 साल से, तो हम कैसे हटा लें? आप भी मंडी के व्यापारी हो। इन्होंने ये कहा यार भाई तुम हमारे को 4 फुट जगह दे दो, नहीं सारी तहस नहस करवा देंगे। अच्छा, मतलब इनका ये कहना है सर। हाँ जी। हाँ जी। जब हमारे को आप मंडी व्यापारी हो। हाँ जी। तो एक बार कमेटी की तरफ से क्या रणनीति चली गई आगे की? ये इसकी जी 7 फुट की जगह है। अच्छा जी। ठीक है, 3 फुट पहले इसने रोकी अपने आप से, अब ये 4 फुट और रोक दी। एक मिनट कह रहे हो आप अपने आप रोकी है? एक मिनट बात तो सुनो, 4 फुट की जगह रोकी, ये रात को काम करता है, सुबह नहीं करता, ये रात को करा इसने सब जो कुछ करा है। तो नगर निगम की क्या कार्रवाई रहती है? नगर निगम कुछ नहीं कहता इसको, नगर निगम कुछ नहीं कहता। शॉर्ट कट है। अच्छा जी। नगर निगम सरकार को क्या, इसका बेसमेंट जाके देखो आगे कहाँ तक है, ये भी तो देखो आप दिखाएंगे। बिल्कुल दिखाएंगे। हाँ जी बताएं। ऐसी सरकार को क्या नौबत आ गई जो 4-4 गज जगह बेचने लगी? अगर ये हाँ जी सर जी। तो एक बात हो, जो मार्केट कमेटी है पूरे पूरे व्यापारी है, मैं बात करता हूँ सब्जी बेचने वाले, आपकी तरफ से आगे की क्या रणनीति रहेगी? अब क्या इंसाफ चाहिए, किस प्रकार से चाहिए, किसे मांगते हैं आप? हमारा ये सही करा जाए और हमको यहाँ पे बिठाया जाए। तो जनाब पहले से समझने वाली बात है कि तोड़ा किसने, आपको कन्फर्म किस पर शक है, इस पे या नगर निगम पे? सरकार नगर निगम ने करा है। तो नगर निगम की सुनने में आती है नगर निगम पर्चियां भी काट के जाते हैं? हाँ पर्ची, हाँ जी काट के जाते हैं। मंथली आप देते हैं जो सरकारी है रूल? हाँ जी। तो वो उन्होंने नोटिस जारी किया नहीं? पहले और दिखा दो मैं मानसू भाई को, और पर्चियाँ दिखा दे मानसू भाई, जितनी भी दुकानें थी यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ फिलहाल देख सकते हैं सभी दुकानों ने यहाँ पर अपनी पर्चियाँ भरी हुई है, हर महीने भरते होंगे। और जी इसने आगे तक बहुत ज्यादा बेसमेंट बढ़ा रखे है। हाँ जी दिखाओ भाई साहब, ये बेसमेंट पहले बताए अगर ये पक्के में होती ना ये तो ये अपने कब के हमारे को हटवा के जो है ना आपका, ये देखो ये सीरियो का भी जर लग चुका है, ये सीरियो का भी जर लग चुका है, ये देखो ये सारी जगह ये ना कि आप लोगों का ऐसा कहना है कि धीरे धीरे काम कर रहे हैं रात के समय, अगर मैं बात करता हूं करता है ये काम, ये जब भी करता है रात के समय करता है। एक बात तो प्रशासन के ऊपर क्या आपको लगता है? प्रशासन को तो ये पैसे खिला देता है किसी ना किसी को,
फिर ये दोबारा वो कर देता है और आगे भी इसने बेसमेंट बना रखा है बहुत ज़्यादा आगे। तो फिलहाल देख सकते हैं किस प्रकार की स्थिति आ चुकी है, 5 से 6 दुकानें रात के समय ढा दी जाती है। अभी तक ये नहीं पता चल पाया किसकी तरफ से, पुष्टि नहीं हो पाई पूरी। अगर पूर्ण रूप से मैं बात कहूं, दुकानदार का भी नाम कहते हो नज़र आ रहे हैं, सब्जी मंडी के व्यापारी जितने भी यहां पर सब्जी बेचते हैं, और कहीं ना कहीं नगर निगम का हाथ भी, ऐसा इन लोगों का कहना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है। अब देखने वाली बात ये रहती है जनाब कि नगर निगम सामने निकल कर आता है और आएगा तो किस प्रकार की कार्रवाई करता है, सबसे बड़ी बात। एक बार मैं भाई साहब कह रहे हैं सामने की तरफ बेसमेंट दिखा रहे, भाई साहब थोड़ा आगे आए एक बार, फिलहाल एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ लोगों को कहना है कि दुकानदार ने बेसमेंट आगे तक बढ़ाया हुआ है, तो फिलहाल इन लोगों ने जान लेते हैं। हाँ जी भाई साहब, बेसमेंट आप कह रहे हैं कुछ बढ़ाया हुआ है ऐसे, क्या ये देख लो जी ये बेसमेंट ही बढ़ा। अच्छा इसने बढ़ा रखा है, क्योंकि कर देता है, इसकी चलती है इनकी, हमारी गरीबों की चलती नहीं है, रेडी वालों की। ये देखो जी आप जनाब, लोगों का यही कहना है कि गरीबों की नहीं चलती और दुकानदारों की, जो जिनकी सांझ गांठ है। अच्छा जी, ये फूल दादागिरी है जिसकी। तो फिलहाल आप देखने वाली बात ये रहती है कि नगर निगम प्रशासन किस प्रकार कार्रवाई करता है और किन लोगों पर कार्रवाई करेगा। अगर मैं बात करता हूँ, देख सकते हैं सड़क पर गड्ढा भी बन चुका है बीच की तरफ और आगे की तरफ। नगर निगम के जेबीसी आई थी यहाँ पे, पंजा मारा था ना, तो ये एक जना बेहोश हो गया था इनके पिताजी, फिर उन्होंने काम बंद कर दिया। इनका ये भी है मकसद है, उन्होंने पंजा यहाँ पे मारा ना, जब ये एक जना बेहोश हो गया इनके पिताजी, फिर वहाँ पे काम रुक गया, कार्रवाई तो करते नहीं। फिलहाल आप देख सकते हैं सर, यहाँ नगर निगम प्रशासन के ऊपर भी उंगलियां उठनी लाजमी हो चुकी है, क्योंकि गरीब दुकानदारों की ऐसी दुकानें तोड़ दी जाती है तो कौन उसका जिम्मेवार होगा कहीं ना कहीं। अब देखने वाली बात यह है कि नगर निगम प्रशासन किस प्रकार से इस मामले पर अपना सर, अगर मैं बात करूँ, पूर्ण जाँच करता है और किस पर कार्रवाई करता है, और जितने भी लोगों का नुकसान हो चुका है जनाब, उनकी भरपाई कौन करके देगा, सबसे बड़ा सवाल। क्या नगर निगम करके देगा या जिस दुकानदार के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं या वो देगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है। अगली खबर के साथ जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। मैं चिराग शर्मा, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।